देखिए अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन और उसमें टाइप चल रहा था कोडेड रिलेशनशिप। इसमें सिर्फ दो पॉइंट पे ध्यान रखना होता है। एक तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो दे रखे हैं, उसमें आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है ऑफ को। ऑफ का मतलब होता है का के की, सिर्फ ऑफ जिसके साथ में लगा है वो अंडरलाइन करो। अगर सारे ऑफ एक ही साइड में दे रखे हैं तो एक साइड मतलब किसी एक ही पर्सन के साथ दे रखे हैं, जैसे सारे ऑफ दे रखे क्यू के साथ, तो समझ जाओ सवाल एकदम सरल है, ज़्यादा उलझाने वाला नहीं है। तो कैसे करने हैं? ओप का मतलब मैंने बताया था बोलने वाला व्यक्ति यानी कि वक्ता। यहाँ पे क्यों बोल रहा है किसको? पी। यहाँ भी क्यों बोल रहा है किसको? पी को। और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ। सही है भाई? इसकी कॉपी करनी है। यहाँ पे हैश दे रखा है, ये रहा सेम टू सेम कर लो। सबसे पहले चिन्ह की कॉपी करो, फिर यहाँ सिंबल, यहाँ क्या दे रखा है रिलेशन पुत्री, प्लस का ये रहा, ये कर दिया, मतलब दे रखा है इसका पिता। स्टार के लिए पुत्र, माइनस के लिए माता, और डिवाइड के लिए बहन। तो सबसे पहले इसको रीडिंग मेथड में लेके आओ, क्योंकि ये पढ़ने लायक भी नहीं है। पहले आप इसको क्या करना पड़ता है? पढ़ने लायक बनाना पड़ता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस ले गया, हाँ माइनस ले गया। अब कहाँ से पढ़ोगे इस सवाल को? एप से। और कहाँ पे खत्म हुआ ये? ए पे। तो यहाँ पे इसका मतलब मैंने बताया था ऑफ। ऑफ का मतलब का के पी, का मतलब ऑफ होता है। तो कहाँ से चल रहा है? ऐप से। ऐप की बहन ई से शुरू हो गया, ई की माता, फिर डी से आ गया, डी का पुत्र, सी का पिता, फिर बी की पुत्री। तो सवाल को रीडिंग मेथड में लेके आना सबसे पहले, उसके बाद समझना क्या है। अब सिंपल सी बात है, क्या करता है जानबूझ के अनवांटेड रिश्तेदारों को लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये चिरानी बदर से, जैसे मैंने इनको पूछा कि भाई ये क्या है, तो इसने बोल दिया मेरा भाई है। तो एकदम सिंपल सी बात, लेकिन इस पर सवाल नहीं बन सकता। इसको पूछा ये क्या है, तो इसने कहा कि मेरी माँ का पिताजी का इकलौतो दामाद, ऊँ को छोरो, तो माँ को पिताजी नामो, ऊँ को इकलौतो दामाद कौन है? तारो पिताजी, और ऊँ को छोरो कौन है? यो, मतलब इब्बे भी भाई हैं। तो कहने का सेंटेंस अलग है कि जानबूझ के ये क्या करके रहा है, मामा वाले सारे पक्ष को उठा के रख दिया भाई के साथ। सही है गलत है? तो एग्जामिनर क्या करता है, जानबूझ के ऐसे रिश्तों को बीच में लेके आता है, क्योंकि अगर वो सीधा बोल रहे हैं वो भाई है तो फिर तुमसे पूछेगा क्या, तुम्हें करना क्या? तो वो क्या करेगा बीच में, ऐसे जानबूझ के नए रिश्तेदार लेके आएगा जिसका सवाल में कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं। यहाँ देखो कैसे, देखो ये कह रहा है एफ की बहन कौन, और फिर कह रहा हूँ बहन की माता कौन है? तो भाई भाण की माता को अलग से तो आज को नहीं, वाई माँ है की है, वाई माँ की भाण की है। तो यहाँ जबरदस्ती किसका इंट्रोडक्शन आ गया, यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। आप यहाँ से डायरेक्ट कहाँ तक पहुँच सकते हो? डी तक। तो एफ की क्या लगी है? माता, रिश्ता आया आपने देख लिया। सही है भाई? तो यहाँ एक गया बीच में कोई काम करने का, तो यहाँ ऐसे पढ़ो इसको, एफ की माता कौन है? डी। आ गया समझ में? फिर कहा डी को बेटो कौन है? तो तन को लाग रहा बेफालतू की बात कौन करी, मतलब माँ को बेटो सी, और तो माँ को बेटो सीधो ही भाई बोल देगा, मान क्यों लेगा बीच के में? सही है गलत है? तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत नहीं फिलहाल, डी की। हटाओ इसको। तो एफ डायरेक्ट ही किसको पुकारेगा? सी को। क्या पुकारेगा भाई? सही है भाई? अब कह रहे देखो एफ को भाई कौन है, और भाई को पिताजी कौन है? तो तन को लग रहा फिर फालतू बात कर रहे हैं, भाई को पिताजी, तो सीधे सीधे उनका मेरे पिताजी है, भाई को पिताजी के। तो यहाँ हमें इसकी कोई आवश्यकता क्यों? क्योंकि हमारा लिंक सीधा ही एफ का किससे कनेक्ट हो रहा है? बी से। सही है गलत है? ये कनेक्ट हो रहा है पिता। तो एफ को पिताजी कौन है, और पिताजी की बेटी कौन है? तो पिताजी की बेटी ए, और आपने वैल्यू कहेंगे निकालनी है, एफ के तो निकाल नहीं बने, क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या लगा हुआ है से, अपन वैल्यू कहेंगे निकालनी है,
एक ही वैल्यू क्या है, पिताजी की बेटी केवल है आंसर बहन। जिन सवाल को जानबूझ के पूरे पन्ने में भर दिया गया है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, एकदम सरल और सीधा प्रश्न। कर लोगे? इजी है ना, बस ध्यान क्या रखना है, हमें एफ और ए का रिश्ता ढूंढना है, लेकिन बीच में मीडिएटर एक रहेगा। मीडिएटर एक मतलब कोई भी एक जो तुम्हें लगेगा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम सवाल को जल्दी से कर सकते। और अनवांटेड व्यक्तियों को घर भेज दो, बस कोई काम कर दो। क्लियर? चलेगा ना? आज मैडम जी को नहीं आएंगे तो चिराने तो पढ़ा देते यार। हाँ भाई लोग हेडो कर लोगे? सवाल दे दो दूसरा, सवाल दिखा दे। इंस्ट्रक्शन यही है, फिर मैं इंस्ट्रक्शन रख दूंगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी समझाने हैं, क्योंकि ये तो मैंने समझा दिया, बार बार एक जैसी चीज़ होगी तो उसमें आप नई चीज़ नहीं सीख पाओगे जो मैं सिखाना चाहता हूँ। मिटा दो बेटा इसको, इसको मिटा दूँ, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। अरे ये बेटा कल लिखे थे वही हैं। अच्छा चलो काम ठीक है, तो ये तभी बोर्ड पे ही हैं, तो मैंने वो सवाल उतार लिए तो लिखे पड़े हैं, ये भी अभी अगले सवाल में भी ये पड़े हैं, उससे बाद वाले सवाल में चेंज होंगे। तो देखिए आप लोगों को सवाल करना है, जवाब यही देना है ए एफ सी, ठीक है? मिटा दोगे अब तो इसको? जल्दबाजी नहीं, आराम से कॉपी में हल करके फिर जवाब देंगे। खुद पे यकीन रखो, कर सकते हो तो मतलब कर सकते हो। चलो कर दो। बेटा पानी लेके आए, एक दिन में पूरी खत्म करनी चाहिए। हाँ भाई कर दो जवानों, सबसे पहले रिलेशन को डिसाइड करो, उसके बाद में क्या बड़ा पति तो उसमें डरना क्या, ठीक है आगे। सबसे पहले तो बताओ हैस का मतलब क्या दे रखा है, पुत्री। डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, बहन। गुणा का मतलब क्या दे रखा है, भाई।
पिता है, हस्बैंड सही है भाई किसका, सही आंसर ठीक है। कैसे देखें, एफ की पुत्री कौन, ई, और उस पुत्री की बहन कौन, अरे तो पुत्री की बहन इसकी पुत्री हो गई, तो यहां हमें इसकी जरूरत है, तो यहां एफ की पुत्री कौन, फिर पुत्री का भाई कौन, तो पुत्री का भाई तो है वो पुत्री हो गयो, तो एफ का पुत्र कौन, सी, फिर उस पुत्र की बहन कौन, तो पुत्र की बहन तो इसकी तो पुत्री हो गई, तो एफ की पुत्री कौन, बी, और पुत्री का पिताजी कौन, ए, तो पुत्री का पिताजी होता है पति, कौन होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, पति, तो आपका आंसर हो गया पति। ये तो बिना क्वेश्चन वाला सवाल था, सही है। फिर वैसे ही दिख गया था, बहन भाई सारे कनेक्शन आपस में कट गए थे, कर लेगा। तो अब मैं इंस्ट्रक्शन बदलता हूँ, अब देखते हैं आप कैसे करोगे। बता दो इसको, आपके पास इंस्ट्रक्शन वैसे दिखने में तो हो सकता है सेम है, पर सेम नहीं है। जल्दबाजी नहीं है आपके पास, पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करो ढंग से, इंस्ट्रक्शन दूसरे हैं। कारण लगा देता बहुत
कोई भी एग्जाम हो, इस साल जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में दो नंबर का सवाल है, सब में। और दिल्ली पुलिस में भी पहले से आते हैं। हाँ बेटा बोलो बोलो। हाँ भाई चरणी मोस्टली सारे बच्चे चाहे कितने तोते के जैसे बुरादो गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बात बताओ मुझे, अब की बार सेंटेंस किसके माध्यम से पढ़ा जाएगा? और किसके साथ लगा होगा? तो सवाल क्यू से पी की ओर जा रहा है कि पी से क्यू की ओर जा रहा है? तो ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों ने सवाल को ऐसे हल किया? हाँ भाई नरेंद्र ऐसे ही हल किया? तूने कैसे हल किया रे? थोड़ी देर बड़ा ऐसे चल रहा था, अब की बार ऐसे लगो। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई कि एरो कैसे चलेगा वो कभी डिसाइड नहीं होता है, वो डिसाइड करता है इंस्ट्रक्शन। और यही सबसे बड़ी बात को कैप्चर करना होगा, वरना यूट्यूब वगैरह और पे देखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कैसे कितने सवाल नहीं कराएगा, एक कराएगा फिर छोड़ देगा। और अब बच्चे रट्टे मार देते हैं ये हमेशा ऐसे चलेगा। अरे भाई आगे सवाल कराऊंगा जिसमें कुछ एरो ऐसे चल रहे हैं, कुछ एरो ऐसे चल रहे हैं। फिलहाल तो ये सारे एरो ऐसे चलेंगे, बिल्कुल सही है जिसने भी किया है। और फिर यहाँ साइन लगा देंगे माइनस का, मतलब क्या रखा है? माता। किसकी माता? यू की माता कि टी की माता? यू की माता, करेक्ट। यू की माता कौन? टी। फिर आगे हस का मतलब क्या देखे बेटा? तो यू की माता कौन? टी। और माँ की बेटी कौन? तो भाई माँ की बेटी क्या लगी? माँ की बेटी बहन। तो यहाँ हमें फिलहाल किसकी जरूरत नहीं है? एक फंडा कम कर दिया, सात आदमी करते हैं। प्लस का मतलब क्या देखा बेटा? तो U की बहन कौन? S। और S का पिताजी कौन? भाई बहन का पिताजी। इसका भी क्या लगा? तो यहाँ इसकी भी स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया R के पास में, जिसका मतलब है तो U का पिता कौन? R। डायरेक्ट ऐसे चलेंगे, वैसे ही चलेंगे, दम मार दिया तुम दोनों। फिर बताओ स्टार का मतलब क्या लिखा बेटा? पिता को बेटो, पिता को बेटो केला क्यों? भाई सही है क्या? तो यहाँ पे यू का भाई कौन है? क्यों? तो हम यहाँ पे तीन को छोड़ के डायरेक्ट क्यों पे पहुंच गए हैं, और अपना आंसर भी अब अगले स्टेप में आ जाएगा। है इसका मतलब क्या दे रखा है? पुत्री। तो बताओ यू का भाई कौन? क्यू। और भाई की बेटी कौन? पी। अब हमें बताना किसका है? यू का के पी का? पी का बताना है। तो आपका आंसर है भाई की बेटी। तो भाई की बेटी वह भतीजी, भाई की बेटी की वह है भतीजी, भाई की बेटी की वह है भतीजी। अभियो खेला जो सात सौ या बाजी कोई भी लाक्षण है जिन मेल को मेल फीमेल दे रहा है।
हमें बता दे कल जाना है। अरे यार हाँ चिराने बदर बता कर लोगे और करें। तो अब की बार मैं 3 सवाल लिख रहा हूँ, एक 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 नहीं करा रहा, तीनों करके फिर बोलोगे कर दे। इसमें एक सवाल गलत है, मुझे क्या हुआ है तो कौन सा गलत है मुझे नहीं, हो सकता है ऊपर वाला प्रॉब्लम छोड़ दिया। क्या सवाल था ऊपर मैंने बता दिया कि उसे किस प्रकार करो भाई कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम का सवाल ही आंसर आ गया। क्या आंसर आया भाई, माता कर साहब की भाण बने आए यार, कौन सा दिमाग लगाते हो ये देख, भाई बहन उनकी माता उनको पिता, अब यह अंतर नानो पिताजी है कि तो भाण बने हुई है, तो इसको यहीं से निकाल दो यार सवाल। आर को पिताजी कौन है क्यों, और पिता की बेटी कौन है तो आर की क्या लगी, आर की बहन लगी, सही है भाई। अब देख यहाँ पे यू को भाई, भाई की भाण और उनकी माता, तो यहाँ पे देख तो यू की माता कौन है और माँ की भाण कौन है, माँ की भाण हो रहे थे पूछो क्यों, आर को पूछो पी को पूछो है पिता के लगा रखे है तो बता दे यू की माता आर और आर की बहन पी, अपन डायरेक्ट जान दो बीच में अपन क्या कर लो, ये मैंने पहले बताया था दो बंदे ऐसे ढूंढ लो तो डायरेक्ट रिश्ते तक पहुंचा सके, तो माँ की भाण की लागी भाई तारे में मौसी उतरा जो कोई ने मुसी अच्छा लगा मुसी लिख लो क्यों भाई, कोई ने मुसी अच्छा लगा तो मुसी लिख लो, और कई बड़े मेरे को मौसी परंशन मुश्किल लिखा हूँ बड़ा मौसी जी भी बोल सको कदे का उधर लेसन जी लगाई बोल दिया करो रहे ना सासू तरा तो मैं बोलता सासू माँ फीलिंग रहता फिर तो ये, लेकिन मौसी आज आप बुआजी आज का बुआजी बुआजी मतलब
बोले बुआ जी मौसी आ गयो। अरे मौसी जी बोले, बुआ जी बोले, पर मुड़ा सासू आ जो सासू जी बोले ना उसको। सासू बोले सासू आ गयो, सासू माँ आ गयो, आम सर के सासू जी आ गयो। पूरा बड़ी फीलिंग आवे है। मम्मी जी बोले। हाँ मम्मी जी ठीक है। थोड़ा देख रहे मम्मी जी बोले देख तो जरूर रहेगी। बड़ी फीलिंग ले आ गयो। मतलब बोलो चाहो तो कोई ना मिल कुंद्र है तुम्हें। अरे क्या है यार, एकदम सही पॉइंट है। यो सासू ने मम्मी बोलना चाहो है लेकिन वह मिल है तब तो बोले की बात एकदम सही है। हाँ यह तो मोस्ट ऑफ द सारा की है प्रॉब्लम। अरे यस सासू प्रॉब्लम बोले, सासू ने और के प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये आई तो यार लीजिए, अगर रोजगार तो लीजिए ही। अरे तेरी किस्मत अच्छी है केवल लीजिए जी। कौन सा बेटा एम के डाउट है बोले लिया थे। तो नाना यो या पी है यो आर है अलग अलग है दोनों पी लिख दिया लगे। हाँ यो आर है यो पी है तो यो आर है। अब देख यू को भाई, भाई की भाण, ए की भाण, भाण की माता, ए की माता, ए की माता तो आएगी आर है, कह की माँ गया। यू की माँ को पिताजी नानो, तो फिर नाना की दूसरी बेटी, एक बेटी आ रही है एक बेटी पी है तो नाना एक दूसरी बेटी नहीं लगी। अरे तो ये आ रहा है अक्षर को देखे नाम अलग हो गया, यो आर है यो पी है, दो बंदा दो लिखे अलग हो रहे हैं, एक आर है एक पी है, दो बंदा को देख रहे अलग अलग। आवाम थोड़ी चल रही बात कोई, उनका नाम भी तो है, एक का आर है एक का नाम पी है, इसका मतलब नाना का दो छोरी है। नाम नहीं होता नाना की छोरी तब बोलते आप कि माँ या मौसी। अँ बैठे हो तो आगे सासू का रहे, अँ खाली बैठे हो तो आगे सासू का, तो सासू के ना करते तारे याद रहे है। बिहार में सासू को यहाँ पे आप दोगे या बेटा? अरे कोई नहीं क्यों किया? हाँ यार लैंड रेट पूछ ले। ये बिहारी तो है। तो ब्याह भी किस टाइम करोगा रे? हट तेरी दूसरे पे ना लौट आओ रे, आजकल बारी में आएगी क्योंकि मैं थोड़ी आए उनके लौट आओ ना। अच्छा वीडियो में चुटकुले होगा क्या रहेगी? हाँ वीडियो चुटकुले कर गया बोले बिहार से दिया बोले पीसा लाके हैं आज तो केली के दूर फिर भी कमाओ बोले कहीं यहाँ आओ लेके आओ बोले लौट आ जाए 3 लाख को 1.5 लाख में आओ पता बता क्योंकि अगला पकड़ तो आने का अपन की दिक्कत है। वाह बात कर रहे हो मेरे ब्याज ले 3 लाख लोन डाला 1.5 लाख आ जाएगी यही करियो तो सुनो। ऐसे बढ़िया बेटा नौकरी लग जाओ अगल बगल अगल बगल में ब्याह दे जिला वो जिला ठीक से दूसरा स्टेट में ठीक हुआ ना। बता भाई हंसराज अरे बुआजी देखो जी बुआजी बिल्कुल बिल्कुल मतलब पिता की भाण सबको बुआजी आओगे दुखा तो ले भाई फुफा जी बना देखे गुणा का मतलब क्या है भाई तो यू का भाई कौन
पी, और प्लस को मतलब क्या बेटा? और पिताजी को, भाई को पिताजी कौन है? तो मेरे हिसाब से यो डायरेक्ट इंडिकेट हो रही होगा, तो यू को पिताजी कौन भाई? एस, सही हो रहा था ही? फिर के माइनस को पिताजी की माता। अब देखो सवाल आप से बढ़ाना और छोड़ दो, सवाल और छोड़ दे तो फिर और लंबो जाओ। फिर आके भाई प्लस, ठीक है, एस की माता कौन और माँ को पिताजी कौन? ठीक है, बात को मतलब क्या है? बहन। इसको हम याद समझेंगे, एस को पिताजी, आर को पिताजी कौन है? क्यू, और पिता की बहन कौन है? पी, सही है क्या भाई? तो पिता की बहन इसकी तो लग गई बुआ जी, किसकी? आर की, हाँ माता की, सही है, लेकिन वाकई नहीं माता, तो इसकी तो लगी है बुआ जी, मैं भी जी लगा दूँ, सही है क्या भाई? ना ना, नानी को नहीं, उसको बुआ जी बोलोगे आप, वो बड़े रिश्ते में बड़ी बुआ है, नानी नहीं, बुआ जी बोल सकते हो, ये ध्यान रखना। अब देखें, यू को पिताजी कौन है? आर, पिता की माता कौन है? दादी, और दादी की बुआ जी, अब दादी की बुआजी और सवाल के जाते हैं बुढ़ो कर दी गई जोरा मजीद नंबर दे इसमें आप, हाँ तो आप इसमें दादी दे सकते हैं, दादी बड़ी उम्र में ग्रैंड ग्रैंड मदर हो जाता है, ग्रैंड को दो बार ग्रैंड लगा देंगे बस, ठीक है, नानी नहीं देखो सीधा रास्ता देख, यू को पिताजी, पिता की माता, तो पिता की माता माँ, एंड के लगी पिताजी की माता, दादी लाजी के, तो बता यू की दादी कौन है और उनकी दादी की बुआ जी कौन है? तो दादी की बुआ जी, तो इसने ग्रैंड ग्रैंड मदर, इसके एक मदर और लगा दो अंग्रेजी में, तो आप इसको दादी बोल सकते हो, या पर दादी जो बोलते हैं ना, परम पितामह है, पितामह है होता है एक तो दादा, परम पितामह होता है उससे बड़ी उम्र का जो भी होता है उसको परम बोल देते हैं, ठीक है, तो इसको परम दादी नहीं बोल सकते, इसको पर दादी बोलते हैं, और उसके लिए परम लगाते हैं लड़कियों के लिए परम, पर दादी बोलते हैं, आप बोलते ना पर दादा पर दादी, ऐसे नहीं बोलते, तो इसको क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में? परम बोलते हैं, मतलब पूजनीय पितामह है, दादा को क्या बोलते हैं ना? पितामह बोलते हैं, फिर उससे जो बड़ा होता है उसको परम पितामह, फिर उससे बड़ा होता है परम परम, उसके ऊपर क्या होता है, हमने शुद्ध इंग्लिश हिंदी में क्या लगते हैं, अंग्रेजी में होता है ग्रेट लगा देते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, जितने भी उसकी उम्र होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ग्रेट 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 लगा देते हैं, तो यहाँ पे आप भी क्या करोगे, दादी फिर उसकी बुआ, इसका मतलब ये हो गया कि बुआ जी का मतलब क्या होता है बेटा, कि उसके बुजुर्ग ही हो गए, किसके, दादी के बुजुर्ग हो गए, तो आप इसको परम दादी परम बोल सकते हो, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड मदर ही बोल सकते हो, ठीक है, तो आप शोध भाषा में दादी जी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर नहीं, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर दादी, और उसके आगे ग्रेट लगाने से दादी से जो बड़ी, हाँ परदादी बोल दो, ऊपर बोल दो, कुछ बोल दो, मतलब परदादी बोल सकते हो आप, इसे शुद्ध भाषा में परदादी बोल सकते हो, आएगा क्यों नहीं, हाँ परदादी, पढ़ नहीं होता वो, आपने लोकल भाषा बोले परदादी, पड़की के बाद में परम दादी होती है, वैसे परदादी बोलते हैं, बोलती सर दादी, ये देख तू, मतलब ये पड़गी, अरे एक ने सड़गी, तेरी, अरे बेटा ये अपने रिश्ते को बिगाड़ने वाली बातें होती है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, रिश्ते को बिगाड़ने वाली बातें होती है, पूजनीय होते हैं उसके ऊपर पूजनीय लग जाते हैं, ठीक है, जैसे अपना शुद्ध हिंदी में दादा, और उससे जो बड़ा होता है उसको परम पितामह बोलते हैं, पितामह और परम पितामह, शुद्ध और एक सम्मानजनक शब्द भी दिख रहा है, परम माता जी,
लेकिन अपना लोकल भाषा लगा लगा के ना क्या खराब कर दी, पड़दादी शरदादी के ये बॉलीवुड की पिक्चर देख के खराब होगा दिमाग से मेरी। हाँ छुट्टी छुट्टी भी कर दिया यार, छुट्टी के बाद तू गाओ तो रस्ता में कटवा दिया उठी क्योंकि गाड़ी उठी कर दिया पिंजर कटवा दिया साइकिल में तो बता सिस्टम में कर दिया कुछ नहीं। वो बोले यार गरीब आदमी है, अरे गरीब है रोटी खा ले तो काटो मार क्यों सिस्टम में तो समझे। अरे चिराने बदल से चलो सवाल कर दो एक और, हमारा मास्टर और सिस्टम है करे देख तस्वीर की है जी। अरे बात तो तुम भाई बोल रहा हाँ मानो बेरो भाई जवान टापर हो जो जो उसके मैंने मैं कहा मास्टर जा तो नहीं है आगे सोच लिए तो मन बेरो भाई जी है अगले आराम से बोल जाए मैं। हाँ क्यों भी कर सको भाई जी बीस खड़ा जो पाँच खड़ा जो मैं किलो हो गए होली चला दी गुरुजी कोई बड़ी बात है आजकल स्टूडेंट दिखाई आजकल गुरुजी विद्यार्थी ईसाई है न प्यार से बोल बोल के काम कर लो बस वो गयो दो तार लो मार लो गयो दो दो मास्टर की भी कह दिया कर तो कुछ लेता न कर लेता उ तो मास्टर मार दे लगा मास्टर जा तो मुझे नौ जड़ी गाड़ी में जा हाथ सोच लिए अब जा मारा गांव में कही है क्यों है गलत है क्या।